रोडवेज ने हड़ताल का ऐलान किया है उनके कर्मचारियों ने, उसी दिन राजस्थान में आरएएस प्री लिखित परीक्षा होनी है जिसमें तकरीबन 8 लाख कैंडिडेट शामिल होंगे। तो आप समझिए कि जिस दिन इतनी बड़ी परीक्षा उस दिन रोडवेज नहीं चले, जिसको लाइफलाइन माना जाता है, तो कितनी बड़ी दिक्कत प्रदेश में हो सकती है अभ्यर्थियों को। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई है जिसमें परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हो रहे हैं, रोडवेज के तमाम अधिकारी शामिल हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री कि आखिर हड़ताल पे क्यों रोडवेज के जो संगठन है वो जा रहे हैं, क्योंकि सभी जो 6 श्रमिक संगठन है उन्होंने एक साथ इस हड़ताल का ऐलान किया है। तो उम्मीद है क्योंकि जब आज मुख्यमंत्री बैठक ले रहे हैं तो ऐसा कोई फॉर्मूला निकलेगा जिससे हड़ताल वापस होगी, लेकिन मुख्यमंत्री का बैठक लेना जो रोडवेज के अधिकारी हैं उनकी नाकामी को भी दर्शाता है, क्योंकि 6 अक्टूबर को रोडवेज के संगठनों ने रोडवेज प्रबंधन को लिखित कानूनी नोटिस दे दिया था हड़ताल का 6 अक्टूबर को, यानी कि आज से तकरीबन 12-13 दिन पहले। उसके बाद भी जो रोडवेज के अधिकारी हैं उन्होंने ना तो कोई वार्ता की जो श्रमिक संगठन रोडवेज के उनसे, ना कोई अनाउंसमेंट की, ना कोई पहल की, ना कोई आश्वासन दिया। तो वार्ता तक नहीं करना रोडवेज के अधिकारियों का ये बताता है कि वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं थे हड़ताल को लेकर, लेकिन जब ये फुटेज मुख्यमंत्री के पास पहुंचा है तो उन्होंने आज बैठक बुलाई है और उम्मीद है कि बैठक के बाद कोई ऐसा फॉर्मूला निकलेगा जिससे रोडवेज के जो श्रमिक संगठन है वो अपनी हड़ताल को वापस लें। लेकिन अगर ये हड़ताल उस दिन हुई तो ये तय है कि 8 लाख से अधिक जो आरएएस प्री भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं उनको परेशानी हो, और जाहिर सी बात है ये तो फेल्योर है रोडवेज प्रबंधन का एक तरीके से। सीएम ने खुद प्रसंज्ञान लिया, अब वो खुद बैठक ले रहे हैं, कोई हल निकले यही उम्मीद की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए।